अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, ये आसिम भाई के चैनल पे लॉकडाउन चैनल चैलेंज के माध्यम से हम अपने वीडियो डाल रहे हैं उनके चैनल पे। तो ये हमारा भतीरा बेडर है और ये हमारे पास अभी फिलहाल दो दांत का है, जो अभी इसके अभी करीब हमारे पास बच्चे वगैरह भी आए हैं और मालवा फीमेल पे चलाता हूँ मैं इसको और इसका रिजल्ट बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद में हम आपको दिखाएंगे हमारे फीमेल भी। अब ये मेल की क्वालिटी देख सकते हैं आप, झालर वगैरह और कान की लेंथ। और अभी दो दांत का है ये, और अभी ये नॉट फॉर सेल है, सेल नहीं करना है हमको, बस ये शो करना है। हमारे पास अभी फिलहाल कोई जानवर नहीं है, बस कुर्बानी के बकरे बेचने के हैं हमारे, बाकी फीमेल वगैरह कुछ भी देने का नहीं है। जो भी बच्चे वगैरह थे सब सेल हो चुका है हमारा, ठीक है। ये मालवा फीमेल है और ये हमारे फार्म की सबसे पुरानी फीमेल में से है। इसको करीब हमारे पास 4 साल हो गया है और बहुत अच्छे बच्चे देती है। अभी भी इसके 2 बच्चे हमारे पास मौजूद है, अभी वापस क्रॉस हो गई है। सबसे ओल्ड फीमेल है और समझ लो हमारी सबसे फेवरेट फीमेल भी है। बच्चा और दूध वगैरह हर चीज़ में अच्छा है और बच्चे भी अच्छे देती है अल्हम्दुलिल्लाह। दूध की क्वांटिटी भी अच्छी है इसके पास। चल ठीक है। हाँ, ये हमारी ये भी सबसे पुरानी फीमेल में से है। इसको भी करीब 3 साल हो गए हैं और ये भी मालवा नस्ल की है। आप देख सकते हैं करीब 36-37 हाइट है इसकी और बहुत अच्छे बच्चे रहती है और बहुत अच्छा तरीके से बच्चे को संभाल देती है। ये भी नॉट फॉर सेल है, सिर्फ दिखाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अभी कोई माल सेल के लिए नहीं है हमारे पास, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में वैसे भी अभी कुछ सेल हो सकता नहीं है, क्योंकि पहुँचाएंगे कैसे उनको। तो अभी वापस ये क्रॉस हो गई है हमारी। देखो अगली बार किसी के बच्चे देखिए, बहुत भारी फीमेल है और बहुत डेंजर है, बच्चों को तो मारती भी है। ये हमारे फार्म की जमुनापारी नस्ल की फीमेल है। जमुनापारी में पालता नहीं हूँ वैसे, बस ये एक शौक के लिए रखा है मैंने। आप देख सकते हैं इसका पंच वगैरह, इसका राउंड हर चीज़ में अच्छी है फीमेल। और ये भी करीब 3 साल से है मेरे पास में और इसके भी 2 बच्चे अभी मौजूद है हमारे पास और वो सेल हो चुके हैं। अभी वापस क्रॉस भी हो गई है 8-10 दिन पहले। ये जमुनापारी नस्ल की ओरिजिनल है और फेस और पंच आप देख सकते हैं सब चीज़ में अच्छी क्वालिटी में है और दूध की क्वांटिटी इसके पास भी बेहतरीन है और बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से इसको ये संभालती है। अभी इसके करीब 6-7 बच्चे हमने लिए हैं अभी तक और अभी वापस क्रॉस हुई है, ठीक है। ये भी एक मालवा नस्ल की फीमेल है, पूरी पिंक है ये, तर गुलाबी और सिंह खुर भी वाइट है इसके। अभी ये करीब 2-2.5 महीने के आसपास लोड है ये और आप देख सकते हैं इसका भी एकदम पंच राउंड फेस हो, सिंह भी एकदम राउंड है। और ये भी अभी करीब हमारे पास में बचपन से है, छोटी थी जब से ये। और अपना काम बस यही है, मालवा में अच्छी क्वालिटी की नस्ल पे ही काम करते हैं अपन। और किसी को अगर मालवा में मेल फीमेल वगैरह चाहिए तो वो भी देते हैं हम। तो ये क्वालिटी है हमारे फार्म की फीमेल की और मालवा नस्ल है ये, ठीक है। ये फीमेल गंगापरी नस्ल की है और ये गंगापरी हमारे पास सिर्फ एक ही है। ये भी हमने शॉप के लिए मंगवाई है, पूरी पिंक है एकदम तर गुलाबी, सिंग भी एकदम राउंड है और वाइट सिंग है, वाइट खुर है, देख सकते हैं आप। अभी 2 दांत की फीमेल है ये और अभी ये एक बार बच्चा दिया है इसने अभी हमारे यहाँ और आने वाले टाइम में इससे पतीरा से हम ब्रीड लेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं खूबसूरती और इसके फेस का राउंड और सिंग वगैरह देख सकते हैं आप और पूरी एकदम पिंक है, तर गुलाबी है पूरी, ठीक है। ये हमारी मालवा और पतीरा
क्रॉस में फीमेल आई थी हमारी, और ये करीब 5 महीने की फीमेल है अभी, और पूरी गुलाबी है और एकदम क्वालिटी में है पूरी फीमेल। और आप देख सकते हैं मुंडी है, और बहुत अच्छी नस्ल बनेगी आने वाले टाइम में। ये भी नॉट फॉर सेल है, सेल नहीं करना है इसको भी, बस दिखा रहे हैं हम आपको। ये जो बच्चा है ये हमारा पतीरा का बच्चा है, पूरा गुलाबी मुंडा है, और ऐसा ही बच्चे निकालते हैं। अभी सब सेल हो गए हैं, ये भी सेल हो गया है, ये भी नॉट फॉर सेल है, दे दिया है ये भी। तो देख सकते हैं आप, वाइट आके पूरा पिंक है, मुंडा है और बहुत खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चा भी, ये कोटा और पतीरा मिक्स है, और देखो आप इसके झालर अभी से, ये 15-20 दिन महीने भर का बच्चा है करीब, झालर वगैरह और फेस कान की लंबाई हर चीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी में बच्चा है। तो बस दोस्तों, तो ये है हमारा पूरा स्टॉक, करीब हमारे पास यहाँ पे 25 फीमेल है अभी हमारे पास यहाँ पे, इसमें सब मालवा के हैं और कुछ पतीरा मालवा क्रॉस में है, और एक हमारा चैनल भी है बॉस एग्रो एंड गोट फार्म के नाम से हमारा चैनल भी है, उस पर आप हमारे फार्म का जो भी एनिमल है वो सब आप देख सकते हैं। और अभी हमारे पास दूसरा एक और फार्म है, तो वहाँ पे हमारे कुर्बानी वगैरह जानवर जो पालते हैं वो जानवर है वहाँ पे, और कुछ फीमेल्स भी है वहाँ पे, हैदराबादी हो रही है। तो ये है हमारा फार्म, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।